नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी, आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट अधिवेशन 27 फरवरी से होगा शुरू। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस पहली बार विधानसभा में 9 मार्च को पेश करेंगे शिंदे सरकार का पहला बजट। महाराष्ट्र के पालघर जिले के नालासोपारा पुलिस स्टेशन के हवालात में बंद 9 विचाराधीन कैदी बीमार, कथित तौर पर जहरीला खाना खाने से बिगड़ी कैदियों की तबीयत। थाने से मुंबई शहर को जोड़ने वाले कॉर्नर ब्रिज का काम पूरा, कोपरी ब्रिज के आज खुल जाने से सुगम होगा ठानेकर का सफर। जीएसटी इंस्पेक्टर से मॉडल बनी कृति वर्मा की बड़ी मुश्किलें, 264 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में ईडी ने कसा शिकंजा। मुंबई में खुले नालों की सफाई के लिए आधुनिक तकनीकी का सहारा लेगी बीएमसी, करोड़ों रुपए खर्च करके रोबोट से की जाएगी नालों की सफाई। वैलेंटाइन डे से पहले मुंबई पुलिस को ऑपरेशन ऑल आउट जारी, अभियान के तहत 1113 से अधिक होटलों में ली गई तलाशी। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान 28 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीएमसी ने लिया बड़ा फैसला, गोखले ब्रिज के बाद बीएमसी तोड़ेगी ब्रिटिश काल में बनी 3 और ब्रिज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जन्मदिन आज, मुंबई और ठाणे में कई कार्यक्रमों का आयोजन। मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर बोले संजय राउत, कहा एकनाथ शिंदे है हमारे राजनीतिक दुश्मन और हमेशा रहेंगे। आदित्य ठाकरे के बाद कांग्रेस की विधान परिषद सदस्य प्रज्ञा सातव पर हमला, एक व्यक्ति गिरफ्तार।